नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपीआई न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सीतापुर रोसा क्षेत्र की तस्वीर है, जहां पे के बारे में जानकारी आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम मोहनपुरवा में पहुंचे हैं। ये ग्राम पंचायत मोहनपुरवा लगता है भैया? खनवापुर। अच्छा, ग्राम पंचायत खनवापुर है और मजरा मोहनपुरवा है। और जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 11,000 लाइन से और उसमें झुलस गई है लाइट उतर जाने, करंट उतरने से। जहाँ पे एक हम और तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बच्चों का आवागमन रहता है। और ये मार्ग है, पूरी तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे देखिए लोग कितने दर्शक खड़े हैं इस मवेशी के पास हैं, उनके गार्जियन लोग भी खड़े हैं। हालाँकि इसको हम चलेंगे, परिजन से बात करेंगे कि घटना घटी तो कैसे घटी, इसके साथ में कौन कौन था। भैया का नाम? तेज बोलो। कन्हैयालाल। पिता का नाम? सरफी। कहाँ रहते हो? खनवापुर। खनवापुर, कैसे घटना घट गई? का चरावत रहा? हाँ, बोलो बोलो। भैंस चरावत रहा उधर से यही। हाँ, लपट गई। साथ में कौन कौन चरावत रहा भैया? को साथ हम तुमरे रहा है। मिठू रहा, मिठू रहा, रोशन रहें, अजय रहें, राहुल रहें, और कोई ना रहे। साथ में तुम्हारे भैंसी कत्ती रहे, चरती रहे, पांच छह और साथ हम को रहा है, मतलब बुढ़वन में को रहा है, कोई ना रहे। आप बच्चे बच्चे रहो सिर्फ? अच्छा अच्छा ठीक। कैसे तो कहाँ लेके आप जा रहे हो, कैसे का घटना घटी, तो आप लोग कैसे भागे हो कि जानो कि ये लाइट से जली है, मतलब तड़प रही है, या कोई इसको मारा है, या कोई जानवर सर्फ वगैरह जहरीले इसको डस लिया है, कैसे आपको जानकारी हुई? अच्छा, कांपे लग रहा है। अच्छा अच्छा, आपके पिता वगैरह हैं घर पे? पिता नहीं। अच्छा, माता है? चलो अम्मा से बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा? आशा देवी। नाम बता दो अपना, बताओ नाम। आशा देवी। आशा देवी, पति का नाम? असरफी। कहाँ रहती हो? खनवापुर। खनवापुर रहती हो। ये घटना कैसे घट गई? चरावे आए रहे तो ये मतलब अब जान ना पाए, जब मैं पकड़ ली तब हम घर से भागती आए, सब आए तभी क्या जून नहीं, तो अब हम का करी, बच्चे हमारे चरावे आए तो हम घरे हम का जानी, तो बच्चे हमारी पड़िया लेके आए तो खम्भा में फंसी पड़ी, तब चिल्लाती गए बुआ पड़िया मरी गई चलो, तब हम वहाँ से भागन, पूरा गांव हमारा आवा, सब हमका समझे से हम तो चिल्लाते बच्चे घर से, तब मैं हम घर पर रहन और खवाए पनिया तक का पठे रहन। अच्छा, अधिकारियों को किसको किसको अवगत कराया आपने, किसे किसे कहे हो फोन पर, बताया हो कोई क्या जानकारी दी? चलो ठीक है, ठीक ठीक। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मवेशी के गार्जियन थे, माताजी थे, हालांकि बताने में असमर्थ हैं, थोड़ा जिसके ऊपर दुख पड़ता है तो आदमी बोल नहीं पाता है। थोड़ा हम चलेंगे जनता के बीच, कुछ इनके यहाँ पे समस्त ग्रामवासी हैं, सक्षम आदमी, उनसे बात करते हैं। भैया का नाम है? राजेशपुर प्रधान। सुनवा जी, मजरा मोहनपुरवा, सूचना पहुँची हमारे पास तो यहाँ देखे। सर आप क्या हैं? पूर्व प्रधान है। अच्छा अच्छा, पूर्व प्रधान जी। सर बताइए सर, घटना के बारे में बताइए। सूचना की 112 हमने कॉल किया, 112 पहुंची, देखभाल को अवगत किया, देखभाल फोन नहीं उठा रहा जी। और चिकित्सालय गए, वहाँ बंद हुआ है, ताला लटके हुए हैं, तो हमने फ़ोन किया तो बता रहे हैं अब तो कोई समय है नहीं, अब सुबह इसको दे सकते हैं डेड बॉडी, आप बचाइए, सुबह 8 बजे आना तो हम आएंगे, उसको पीएम करेंगे। अच्छा, तो पशु चिकित्सालय कहाँ पे? रेवसा गए थे? रेवसा गए थे, वहाँ से आश्वासन क्या मिला आपको, फिर से बता दीजिए। आश्वासन ये मिला कि अब तो 2:30 बजे बंद हो गया अस्पताल, कोई मिलेगा नहीं। अच्छा, तो अगर आवश्यकता है तो भी आ सकता है आदमी, तो अपनी पर्चे दिया जी जी, कॉल भी की गई, तो एक मैडम को फोन दिया, डॉक्टर कैलाश चंद्र कश्यप हैं, तो उसने कहा इस मैडम से बात करिए, मैडम से हमने बात किया तो मैडम बोल रही कि 2:30 बज गया, अब वहाँ मिलेगा कौन, तो हमें 62-16-92 कहा चले कि नंबर, तो उस पर कहीं कॉल करो, ऊपर क्या उठी नहीं, नेपाल को अवगत करा, नेपाल उठा नहीं रही फोन। तो सर आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या, जैसा हो वैसा कहिए आप। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? इसका मतलब डेड बॉडी के पीएम होना चाहिए। नहीं तो फिर इसके आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं जी? थाने में बात हुई 112 से, तो उसने बताया कि एप्लीकेशन दे दिए जी, तो अब जा रहे थे, यहाँ लोग बताए कि आप पहले डॉक्टर को मिलिए जी, फिर जय को मिलिए, जय से हमारी बात रही हुई है, तो बिना जो लाइन मैन है वो आया यहाँ, वो बताने लगा जय, बोले कि मतलब पहले डॉक्टर को बुला के पीएम करवाओ,
उसके बाद में बात होगी। तो डॉक्टर तो अभी तो नहीं, पहले डॉक्टर साहब से बात करिए और डॉक्टर आएगा पीएम करेगा तभी इसमें कार्रवाई हो सकती है, हमारे पास का कुछ नहीं है। जय साहब बोले हैं कि डॉक्टर को बुला के उसको पीएम कराओ, उसके बाद में कार्रवाई कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं तो और बात करेंगे जिसका एक खेत है। भैया खेत किसका है? हमारा। का नाम है आपका? सरोज जी। सरोज। सरोज। पिता का नाम? सुरेश। अच्छा अच्छा, ये जो मवेशी झुलस गई है इसका झुलसने का कारण क्या रहा होगा? लाइट बत्ती। बत्ती से? कौन सी बत्ती से झुलसी? 11,000। तो 11,000 तो ऊपर तार बंधा है भैया, ये नीचे जो एलटी बंधी है। हाँ। ये एलटी से खंबस बांध देने, तार बांध देने, उसे नीचे उतर। तो को बांध दिया? लुई का बांध देने, लाइनमैन। लाइनमैन। तो इसमें लापरवाही किसकी देखी जा रही? लाइनमैन की। लाइनमैन की। गांव वालों की समस्या को लेकर के हम बात भी करेंगे, जो उस परिजन के जिसकी मवेशी यहां पे लाइट के अंदर झुलस गई है, हालांकि उनके कोई आगे पीछे और दूसरी कोई लाठी भी नहीं है। है क्या कोई? सही है। चलो ठीक है, हम भैया से पहले बात करते हैं, फिर आपसे भी बात करते हैं। भैया ये बताइए, इनके कोई आगे पीछे कमाने वाला है या कोई नहीं है? जो माता जी है जी, इनका पति जो पति था वो भी खत्म हो गया, और इनका जो बड़ा लड़का था जी जी जेल में है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो है तो इसमें बताओ कौन कमाने वाला है? और कोई बात करो सर, तो कोई मानता नहीं है। किससे बात कर रहे हैं सर? अभी बताओ, जैसे हमसे तुमसे लेके अपन घर चला रहे हैं, ये चीज है। और साहब ये गरीब आदमी है, तो मतलब कैसे कमा रहे हैं? सब लोग चाह रहे हैं, ये 2,000 के लिए, 10,000 के लिए हो, और ये बताओ इतने से खवा रहे हैं, अभी इसका कोई वास्ती है? कोई नहीं सर, इनकी सबको मदद करी जाए साहब। हम तो कोई कार्रवाई, कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा। 112 आई, वो भी नहीं सुन रही है। वो बोले किसी देर आप कार्रवाई करिए। एक मिनट, क्या बोले भैया, फिर से बोलिए। जो नुकसान इनका हुआ है उस चीज का भरपाई इनका हो जाए, और इनके आगे पीछे कोई ना है। ये गांव में अपन कैसे मांग जांच क्या रोजी रोटी चला रहे हैं, इनके कहता हमारे गांव में गरीब कोई ना है, कोई ना है। सही है। अच्छा, इस मवेशी की कीमत क्या होगी? आप साहब कम से कम 15,000-20,000 रुपए के तो है। कहाँ रहते हैं आप? खनवापुर में। क्या नाम है? कुद्दूस। तो हम जो प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरवा, यानी प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा की तस्वीर दिखाएंगे। पहले वो तस्वीर दिखाने के बाद हम घटना स्थल पे फिर दोबारा जाएंगे, जहां पे एक 11,000 लाइन से एक मवेशी झुलस गई, जहां पे बच्चा चराने के लिए एक बेटा आया हुआ था, हालांकि एक माँ का अकेला बेटा था और ना ही उसका कोई पति है, पति एक्सपायर हो गया था, कोई कमाने वाला भी नहीं उनके साथ में बच्चा है। मगर हम पहले चलेंगे प्राथमिक विद्यालय स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ये स्कूल है, यहाँ पे सारे बच्चे यानी विद्यालय आते हैं, विद्यालय आने के बाद इसी रास्ते से गुजरते होंगे, गुजरने के बाद क्या दुर्दशा होती, यानी हालांकि इस दौरान में ये वही मार्क है जहां पे हम आप जा रहे हैं, और ये हम तुमको पूरी तस्वीर दिखाएंगे जहां पे 11,000 लेन है। हालांकि इस दौरान पे अगर कोई विद्यार्थी अगर इसके चपेट में आ जाएगा तो क्या वहां पे आलम होगा, वही तस्वीर दिखाएंगे। देखिए आप लोग सीधे, क्योंकि यहां पे पूरी जनता एकत्रित होती जा रही है।